स्टूडेंट मैं ऐसा करती हूँ, आपने टाइप्स ऑफ मेरिस्टम ए पार्ट जो कि ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे मेरिस्टम्स को डिवाइड किया गया था वो आपने क्लास कंप्लीट कर ली होगी। अभी हम बी पार्ट पर आए जो कि हम इसमें मेरिस्टम्स को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में इनकी पोजीशंस कहाँ है इसके बेसिस पर हम मेरिस्टम्स को क्लासिफाई किया गया थ्री टाइप्स में, राइट। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। अभी हम थ्री इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम एपिकल मेरिस्टम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दीज आर लोकेटेड इन द ग्रोइंग पॉइंट सच एज एपिसिस ऑफ प्राइमरी स्टेम एंड रूट। देखिए एपिकल मेरिस्टम कहाँ लोकेटेड होते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स में जैसे कि प्राइमरी स्टेम और रूट की एपिसिस पर। लेटरल मेरिस्टम की बात करें स्टूडेंट्स तो ये लोकेटेड होते हैं या फिर अरेंज होते हैं पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक। ये डिवाइड करते हैं पेरिक्लिनली और रेडियली। कैसे डिवाइड करेंगे, रेडियली। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द डायामीटर और ये डायामीटर को इंक्रीज करते हैं स्टेम्स की और रूट्स की, राइट। एग्जाम्पल के लिए हो गए वेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। अभी थर्ड टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टम। द मेरिस्टम लाई बिटवीन द रीजन ऑफ द परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं ना। इट इज कंसिडर एज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम। आप इसे कंसिडर कर सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टम का पार्ट, राइट। और ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द लीव्स इन मोनोकोटिलेडंस एट इंटरनोडल रीजन ऑफ ग्रासेस। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, घास के इंटर नोडल रीजन या फिर मोनोकोटिलेडंस की लीव्स पे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी मेरिस्टम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स।